नमस्ते देवी और सज्जनों। चलिए आज हम बनाते हैं चटपटा सा रगड़ा पेटिस। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पेटिस बनाने के लिए मैंने यहाँ दो उबले हुए आलू लिया है। आलू का ऊपर का छिलका हटा दिया है। और रगड़ा बनाने के लिए सफ़ेद वटाना लिया था। वटाने को रात भर भिगोने के लिए रखा था। कुकर में डाल के चार विसल लगा लिया है। और पकाते समय उसमें नमक और हल्दी डाल के चार विसल लगा लिए है। पेटिस बनाने के लिए आलू को ऐसे मैश कर लेते हैं। आलू को कर लिए मैश। अभी आलू में डाल देते हैं लहसुन अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा डाल देते हैं धनिया पाउडर, सौंफ की पाउडर डाल देते हैं थोड़ी सी, और बाइंडिंग के लिए डाल देते हैं 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर। आप चाहे तो इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हैं। अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। पेटिस का बैटर रेडी है। चलिए अभी इसका पेटिस बना लेते हैं। छोटी सी ऐसी लोई लेनी है। और इसे लोई को गोल शेप देना है। आप कोई भी छोटी या बड़ी साइज से पेटीज बना सकते हैं। ऐसे पेटीज बनकर तैयार है। गैस पर मैंने एक तवा रखा है। तवा रखे या पैन रखे, इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है 2 चम्मच। इसमें शैलो फ्राई कर लेते हैं। तो आप पलट देते हैं। आपको जैसे कलर ज़्यादा गोल्डन चाहिए तो ज़्यादा गोल्डन भी कर सकते हैं। पेटीज तैयार हो चुकी है, अभी निकाल लेते हैं। गैस पर मैंने एक पैन रखी है, उसमें तेल डाल देते हैं 1 चम्मच। तेल गर्म होने के बाद डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, करी पत्ता डाल देते हैं। अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। लहसुन अदरक और हरी मिर्च के पेस्ट है, ये डाल दिया है 1 चम्मच। अब ये पकाया हुआ वटाना डाल देते हैं। वटाने को उबालने के बाद इसे वटाना खा खा दिखना चाहिए और सॉफ्ट भी होना चाहिए, पर ये थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं 1/2 चम्मच। थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला और डालेंगे इमली का पल्प। इमली से बहुत अच्छा खट्टा टेस्ट आता है। थोड़ा सा डाल देते हैं गुड़। गुड़ और इमली से खट्टा मीठा टेस्ट आता है। आप चाहे तो इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं या नींबू का रस भी डाल सकते हैं। रगड़े के लिए ग्रेवी ऐसी गाढ़ी होनी चाहिए, ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं चाहिए। ऊपर से हरा धनिया डाल देते हैं थोड़ा सा। रगड़ा भाजी तैयार है। चलिए अभी सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। अभी ऊपर रखेंगे ये पेटिस। डालेंगे इमली की चटनी, खट्टी मीठी सी। हरी चटनी डाल देते हैं। लहसुन हरी मिर्च धनिया की चटनी बनाई है, ये डाल देते हैं। प्याज डालते हैं ऊपर से थोड़ा सा। डालेंगे थोड़ा सा टमाटर। ऊपर से डाल देते सेव और अपने मनपसंद की चीज़ें डाल सकते हैं, या ऊपर से चाट मसाला डाल सकते हैं या आमचूर पाउडर डाल सकते हैं। तो चलिए तैयार है चटपटा सा रगड़ा पेटिस।
मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल आइकन भी दबा लेना। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हेल्दी खाइए और मस्त रहिए।